स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका इन्वायरमेंट के एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू स्पीशीज ऑफ सेमी स्लग के बारे में अब जो सेमी स्लग्स दे आर अ टाइप ऑफ़ ठीक है अब मैं ना आपको एक सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करती हूँ गैस्ट्रोपॉड्स के टाइप है आप इनको ऐसे समझ लीजिए दीज आर सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स ठीक है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स जो कि मोलस्क नाम की एक कैटेगरी uh, होती है उसके अंडर आते हैं अब जब हम गैस्ट्रोपॉड्स की बात करते हैं ना उसमें वी हैव समथिंग नोन एज स्नेल्स एंड वी हैव समथिंग नोन एज स्लग्स ठीक है मेजरली स्नेल्स और स्लग्स आते हैं अब जब मैं स्नेल्स की बात कर रही हूँ तो स्नेल्स क्या होते हैं देर शेल्ड ऑर्गेनिजम्स आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी उसे आपको पता चलेगा शेल होता है आपने देखा ही होगा स्नेल्स में शेल होता है और जब भी कोई उनको थ्रेट फील होता है तो वो शेल के अंडर जो उनका सॉफ्ट बॉडी पार्ट है वो शेल के अंदर जाके वो छुप जाते हैं ठीक है अब स्लग्स क्या होते हैं दे आर नॉन शेल्ड ऑर्गेनिजम्स ठीक है जो सेमी स्लग्स है ना जिसका न्यू स्पीशीज अभी मिला है ये पार्शली शेल्ड होते हैं मतलब इनका जो शेल है वो इतना बड़ा नहीं है कि पूरी बॉडी समा जाए लेकिन वो वेस्टिजियल भी नहीं है वेस्टिजियल का आपको मतलब पता है जैसे हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनका फंक्शन या तो कम्प्लीटली लूज हो गया है या मोस्ट ऑफ द फंक्शन हैज़ बीन लॉस्ट बट दैट पार्ट एग्जिस्ट जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में वी हैव समथिंग नोन एज अपेंडिक्स राइट उसी तरह से सेमी स्लग्स का जो शेल है वो छोटा हो गया है उनकी पूरी बॉडी उसमें नहीं आती लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है कि हम उसको वेस्टिजियल कह सकें तो स्नेल्स और स्लग्स के बीच में कैटेगरी है सेमी स्लग्स जिसकी नई स्पीशीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड अब अगर हम इसकी बात करें ना वेस्टर्न घाट्स में एक रिजन है अम्बोली ये जो स्पीशीज़ है सेमी स्लग की ये दो में मिली ठीक है 2017 में मिली लेकिन 2017 में जब ये मिली तब इसको माना गया कि ये जो अभी ऑलरेडी सेमी स्लग्स की स्पीशीज नोन है उसी में एक नई स्पीशीज़ है लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च हुई और पता चला कि ये तो जीनस भी डिफरेंट है ये तो एक डिफरेंट जीनस के अंडर एक डिफरेंट स्पीशीज़ है ठीक है लेकिन ये है सेमी स्लग्स की ही और ये नॉक्टर्नल होते हैं मतलब कि ये रात को हो, एक्टिव होते हैं राइट उसके बाद अगर हम और बात करें अब ये जो स्पीशीज़ है ना ये ग्रेश वाइट या ग्लॉसी ग्रे है और इसका नाम है वैरेडिया एम्बोल लाइनिसिस तो ये जो नाम है अब जैसे आप बात करते हो स्पीशीज़ किसी भी जीनस या स्पीशीज़ को कैसे लिखते हैं हम जैसे अगर हम बात करें ये हमारा जीनस होता है जो पहले आता है ना वो जीनस है जो दूसरा पार्ट होता है वो स्पीशीज़ होती है और कभी कभी तीसरा भी पार्ट होता है वो सब स्पीशीज़ होती है जैसे हम होमो सेपियंस की बात करते हैं तो होमो सेपियंस में होमो इज जीनस सेपियंस इज स्पीशीज और सेपियंस इज़ अनदर सब स्पीशीज़ ठीक है तो लिखा कैसे जाता है इटैलिक्स uh, में लिखा जाता है अंडरलाइंड होता है और अंडरलाइन जो है न, होता है ना वो सेपरेट होता है लाइक कंटिन्यूसली अंडरलाइन नहीं होगा पहला वर्ड कैपिटल में होता है तो ये स्पीशीज़ अभी मिली है वैराडिया एम्बुलियंसिस तो पहले वैराडिया एम्बुलियसिस को माना जाता था कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना जीनस उन्हीं की एक स्पीशीज़ है लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि वैराडिया एक अलग जीनस है उसमें ये स्पीशीज़ हैज़ बीन देर ठीक है अब ये जो है ठीक है इसके बारे में बातें हो गई कि इसकी जो मोफोलॉजी है वो डिफरेंट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इट इज़ सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट ऑफ क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस अब ना जो स्नेल्स और स्लग्स होते हैं इनको ना इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहा जाता है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि ये हमें बताते हैं कि जहाँ पे ये रहते हैं सपोज अगर हमें एक हैबिटाट में स्नेल्स मिलते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो हैबिटाट हेल्दी है ठीक है सो दे इंडिकेटर हेल्दी हैबिटाट और हेल्दी इको अब अगर ये नहीं होंगे या तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हुई है कुछ लैंडस्केप चेंज हुआ है या कुछ भी फ्लक्चुएशन हुई है क्लाइमेट में चेंज आया है जिसकी वजह से दे आर नॉट फाउंड देयर एनी मोर ठीक है तो अब ये वाली जो स्पीशीज है ना ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव है टू क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस मतलब जो नॉर्मल स्लग्स सेमी स्लग्स होते हैं वो भी यू नो दे आर सेंसिटिव बट दिस इज इवन मोर सेंसिटिव ठीक है एंड नो दिस स्पीशीज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर वराडगिरी ठीक है तो आप देखो जीनस वराडिया है और जो एम्बोलियंसिस है वो अम्बोली एरिया ऑफ महाराष्ट्र से uh, क्योंकि ये मिली है तो इसलिए उसके नाम पे रख दिया गया है एम्बोली एरिया भी ना एक uh, काफ़ी ज़्यादा इको हॉटस्पॉट माना जाता है काफ़ी नई स्पीशीज मिली है यहाँ पे और मतलब बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है एज़ फार एज़ बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न ठीक है सो एम्बोली इज द रीजन जहाँ पे ये 2017 में हमें पहली बार मिली थी ठीक है ओके सेमी स्लाक्स आर कॉल्ड सो बिकॉज क्योंकि इनका जो शेल है आई टोल्ड यू ये छोटा होता है कंपेयर टू स्नेल्स लेकिन स्लग्स में ये होता ही नहीं है तो स्नेल और स्लग के कई बीच में आता है तो इसलिए हम इसे सेमी स्लग कहते हैं ठीक है उसके बाद द शेल इट ऑफन पार्टली और एंटायरली कवर्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ द स्नेल स्किन द मेंटल, ठीक है तो स्नेल की, की जो स्किन होती है वो इस शेल को कवर कर लेती है क्योंकि ये छोटा रहता है राइट right? उसके बाद जो ये नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है उसमें जो शेल है वो रिट्रैक्टेबल है ठीक है सॉरी जो मेंटल है वो रिट्रैक्टेबल है मेंटल कवरिंग द शेल लोब्स इज रिट्रैक्टेबल ताकि शेल कैन बी कम्प्लीटली कवर्ड बाय दी मेंटल और इट कैन बी लार्जे लार्जली एक्सपोज तो जो मेंटल है वही एक तरह से शेल को कवर कर लेता है तो मेंटल जो है वो रिट्रैक्टेबल है ये एक फीचर है इसका उसके बाद अब ये जो नई स्पीशीज़ है ये डिफरेंट है एक्सटर्नल अपेयरेंस इसका डिफरेंट है मोफोलोजी ऑफ द शेल शेल का अपेयरेंस डिफ़रेंट है और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिक है इसीलिए इसको नए जीनस नया जीनस हमें बनाना पड़ा इस स्पीशीज़ को फिट करने के लिए उसके बाद ये एंडमिक है नदरन और सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में नेचुरल फॉरेस्ट में मिलती है और अभी अगर हम बात करें तो ये आपको हैंडफुल ऑफ लोकेलेलिटीज़ इन महाराष्ट्र जहाँ पे ये सबसे पहले मिली थी गोवा और कर्नाटका में ही से ही मिली है नॉक्टर्नल है मोस्ट एक्टिव है नाइट अब देखो ये जो है ये हमारे पास स्नेल है क्योंकि इसका शेल है प्रॉपर ये स्लग है इसका कोई भी शेल नहीं है और अगर आप फर्स्ट स्लाइड में देखोगे तो हमने सेमी स्लग ये जो सेमी स्लग है वैरिडिया इसकी फोटो डाली है तो उसमें जो शेल है वो छोटा है कंपेयर टू स्नेल्स उसके बाद यार इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स दे आर ससेप्टेबल टू स्लाइट क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन ऑल्सो उसके बाद ये लीफ लिटर पे फीड करते हैं ठीक है डेड एंड सेक्स पे फीड करते हैं राइट एंड दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम बेसिकली जो इनका आ, शेल है वो कैल्शियम का बना हुआ है तो जो प्रडेटर्स हैं जैसे कि जिन जो इनके ऊपर फीड करते हैं सेमी स्लाक्स के ऊपर उनको कैल्शियम बेसिकली इन्हीं के शेल से मिलता है सो दे आर द नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम टू वाइल्ड एनिमल्स एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द सच एज पोटाशियम मैंगनीज एंड मैग्नीशियम राइट उसके बाद अगर हम एम्बोली की बात करें तो ये इंडिया का मैप है ये महाराष्ट्र के ना नीचे वाले रिजन को हमने हाईलाइट किया है तो यहाँ पे आपके पास अम्बोली है तो बहुत ही नज़दीक है ये गोवा के और इट इज़ लाइक इको हॉट स्पॉट ठीक है अब यहाँ पे जो स्पीशीज़ मिली है और इसके अलावा 21 और नई स्पीशीज़ मिली है यहाँ पे 2005 से तो काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट है नई स्पीशीज़ भी मिलती रहती हैं इट इज़ होम टू शिस्टुरा टूरा हिरांकेशी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड फॉल्स अंडर द एम्बोली डोडामर कॉन्जर्वेशन रिजर्व राइट उसके बाद कॉन्क्लूजन है कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं अभी तक लैंड स्नेल्स की विच आर फेसिंग थ्रेट और अभी वो डिस्क्राइब ही नहीं हुई है तो ये जो स्पीशीज़ है ये अभी डिस्कवर हुई है ये हमें एक इम्पिटिस देती है कि हमें इन स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उनको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए राइट right? एंड जो भी हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेस लेक्चर ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ सेमी स्लग ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो सेमी स्लग का एक नया जीनस ही बनाना पड़ा बिकॉज ऑफ़ द यूनिकनेस ऑफ द स्पीशीज तो एक नया जीनस डिस्कवर होना एक बड़ी बात होती है राइट तो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग